भारत माता की जय। आवाज बिल्कुल कम है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यहाँ मंत्री रंगवान केंद्रीय मंत्री अशोक फगनी जी, संजीव शर्मा जी, पूरी सकर्मी फैमिली, आप सभी को मेरा नमस्कार। इतना मान सम्मान प्यार आशीर्वाद देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी को, पूरे परिवार को, कि जितनी मेहनत से आप इस प्राण को यहाँ तक लेके आए हो, और ज़्यादा मेहनत करके अगले 10 सालों में एक अलग पहचान हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बनाओ। और 20 साल की तो ये जर्नी है सकर्मी की, बड़ी लंबी जर्नी है। 20 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत संघर्ष होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो 20 साल की एज तक आते आते वो पूरा जवान हो जाता है, उसकी नौकरी की भी एज हो जाती है, उसकी शादी की भी एज हो जाती है, फुल जोश में होता है 20 साल का युवा। और आज 20 साल सकर्मी के हुए हैं, आपके पास पूरा लंबा कैरियर है इसको और आगे पहुंचाने के लिए। और अभी मैडम बोल रही थी कि ड्रीमर बनिए, ड्रीमर बनना बड़ी अच्छी बात है, पर उनको पूरा ना करना बड़ी बुरी बात है। इसलिए आप सपने देखिए, उनको पूरा कीजिए। सपने सभी देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, उनको पूरा कोई कोई करता है। सपने आप सबका आता सपने देखने का, पर आपका हक उनको पूरा करने का भी है। और वो सपने बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के पूरे नहीं होते। जो जितना बड़ा सपना देखता है उतना ही बड़ा बनता है। मैंने ओलंपिक मेडल जीतने का सपना 96 में देखा था। टेनिस में लिंडर पेस हमारे टेनिस के खिलाड़ी हैं, उनको ओलंपिक में मेडल आया था। मेरे को तभी पता लगा था कि ओलंपिक कोई चीज़ होती है। मैं कुश्ती करता था पर मेरे को ओलंपिक का नहीं पता था। मेरे पिताजी ने बताया मेरे को कि ये ओलंपिक में मेडल आया है, टीवी पर उसकी न्यूज चली थी। और उस टाइम पे तो समाचार ही आते थे या चित्र आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं था। तब मेरे पिताजी ने बताया था कि ओलंपिक में मेडल आओ, 4 साल में एक बार होता है। तब मेरे मन में ये था कि मेरे को ओलंपिक में मेडल जीतना। और मेरा 96 में सपना मैंने जो देखा 2012 में पूरा हुआ। मैंने देश के लिए क्या ओलंपिक खेले, पर मैंने दिन रात एक मेहनत की। बिना मेहनत के कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। आपको कामयाबी बिना मेहनत छोटी कामयाबी मिल सकती है, थोड़ी खुशी मिल सकती है, थोड़ी संतुष्टि मिल सकती है, पर आप मेहनत करके कोई मुकाम हासिल करोगे, कामयाबी हासिल करोगे, तो खुशी से ज़्यादा आपको संतुष्टि मिलेगी कि जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको भगवान ने दिया है। और भगवान किसी का भी रखता नहीं। आप किसी भी फील्ड में मेहनत कीजिए, भगवान आपकी मेहनत को देख के आपको फल जरूर देगा। और आज आप लोग एक बीच में बड़ा अच्छा होगा, उम्मीद है कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहोगे। और हम किसी भी चीज से जुड़े, वो कहीं पार्टनरशिप या कोई वो नहीं होता, अपना होता, परिवार होता है। हम दादा परिवार की तरह कोई काम करते हैं तो फिर उसमें छोटा बड़ा ऊंच नीच फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। जैसे परिवार के लोग आपस में फायदा नुकसान नहीं देखते, तो हर जगह हम जान ही जाए किसी भी फील्ड में हम रहें, चाहे कोई भी नौकरी में है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, कोई भी समाज सेवा करते हैं तो परिवार की तरह करें। हम किसी की भी मदद करते हैं उसको अपने परिवार का एक हिस्सा मान के, परिवार का सदस्य मान के हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसे अपनापन आता है, और जहाँ पे अपनापन आता है तो उसमें और ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा मेहनत से काम होता है। अगर आप नौकरी की तरह सोचे कोई काम करोगे तो आप नौकरी करोगे, पर परिवार सोच के काम करोगे तो आप दिल से काम करोगे, और उसमें ज़्यादा तरक्की मिलेगी, ज़्यादा प्यार मिलेगा, ज़्यादा मेल जोल बढ़ेगा। आपके बीच में आगे बड़ा अच्छा लगा। मैं अशोक जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो ऐसे ही लोगों के घर को रोशन करते रहे, चमकाते रहे, क्योंकि घर तो जिस घर में जितना चमक होगी कितना अच्छा लगेगा, लोग उसकी तारीफ करते हैं। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।